शहर की बंगाली घाट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एवं मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेकर पहुंची और नाले एवं सड़क के किनारे पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इस अभियान के अंतर्गत बंगाली घाट रेलवे पुल से लेकर स्वास इंटर कॉलेज तक जो भी होटल संचालकों के द्वारा नालों पर अतिक्रमण रखा था जेसीबी द्वारा सभी को तोड़ दिया गया। इस मौके पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त डीके सिंह, एसडीएम मार्ट ब्रांच अनिकेत वर्मा के साथ साथ अन्य अधिकारी गण एवं भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। इस अतिक्रमण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम अनिकेत वर्मा ने बताया कि आगामी बरसात के दिनों को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि बरसात के दिनों में शहर में जलभराव जैसी स्थिति रहती है और होटल संचालकों एवं गृह स्वामियों द्वारा नालों पर अतिक्रमण रखा है, जिससे बरसात का गंदा पानी निकलने में दिक्कतें होती है। एसडीएम अनिकेत वर्मा ने यह भी बताया कि शहर में जगह जगह पर जो भी अतिक्रमण नालों पर किया जा रहा है वहां पर भी अभियान लगातार जारी रहेगा। आज एमवीडीए की टीम के साथ, एमवीडीए के इंजीनियर्स के साथ, चौकी प्रभारी बंगाली घाट के साथ हमने ये जो नाल ड्रेन्स के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट हो रखा था उसी को हटाया है, जिससे कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटने से जो बारिश के सीज़न में पानी भरने की समस्या यहाँ होती है वो उत्पन्न ना हो और एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ के लोगों को मिल सके, जिससे कि आवागमन बेहतर रहे और साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे। सर, बंगाली घाट क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर भी जी ये तो एमवीडी की कंसर्न टीम बताएगी, हमको तो यहीं के आज आदेश थे जिलाधिकारी महोदय के, तो इसी इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए हम एमवीडीए और पुलिस प्रशासन के साथ उपस्थित हुए।